बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सब लोगों के लिए। और वो क्यों होने वाली है, उसकी वजह ये है कि आज मैं आप लोग को विज़िट कराऊंगी चेज़अप का। और ये कौन सा वाला चेज़अप है? चेज़अप की वो ब्रांच है जो बहादुराबाद में है। तो यहाँ पर विंटर न्यू कलेक्शन की एक अमेजिंग सेल लगी हुई है और हर स्टफ़ में सेल है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब किसी सीज़न का एंड होता है, चाहे वो समर सीज़न हो चाहे वो विंटर सीज़न हो, जब ये एंड पर होता है तो एक बहुत ज़बरदस्त सी सेल लगती है हर ब्रांड पे। तो जो है यहाँ पर भी चेज़अप में सेल लगी हुई है, बहुत ही अमेजिंग सेल है। और हमारी यही कोशिश होती है मोस्टली कि जब भी सेल लगे इससे फ़ायदा उठाया जाए, और क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, उठाना भी चाहिए। और सेल का मतलब ये नहीं होता कि मतलब सेल लगा दो और जो है कॉपी करके इन लोग को स्टफ़ सेल कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशली चेज़अप में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं मोस्टली जो है यहीं से शॉपिंग करती हूँ और फुली सेटिस्फाई होती हूँ। तो जनाब, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, मेल हों फीमेल्स हों, कोई भी हो, सब के लिए बहुत अच्छी और बिग डील आई हुई है, बहुत ज़बरदस्ती ऑफ़र आई हुई है। आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि जब सीज़न का एंड होता है, चाहे वो समर सीज़न हो चाहे वो विंटर सीज़न हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सेल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, बिल्कुल उठाना भी चाहिए। तो इसी हवाले से आज मैंने आप लोग के साथ शेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों की बहुत ही ज़बरदस्ती टी शर्ट्स आई हुई हैं फुल स्लीव की, और बहुत ही इसकी मुनासिब सी प्राइस है, 299 की हैं, और जो मतलब कुछ ज़्यादा फैंसी है तो वो 500 की भी है, 600 की भी है। जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है यहाँ पे स्टफ़ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है चेज़अप का ना। तो मैं तो मोस्टली यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ यहाँ के स्टफ़ से। यहाँ की जो भी चीज़ें कॉस्मेटिक्स हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं, तो मैं तो मोस्टली यहीं आती हूँ और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई होती हूँ शॉपिंग करके। क्योंकि यहाँ की आप लोगों को तो पता ही है, कोई भी मतलब कपड़ा हो उसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होता, और जो है जैसा आप लेते हैं ना तो कई साल तक उसको आराम से वेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी पुराने नहीं होते। तो यहाँ मेन की आप लोग देख रहे हैं, जैकेट्स आए हुए हैं, स्वेटर्स आए हुए हैं, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस हैं इसके। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि अभी नए नए इन्होंने स्टफ़ यहाँ पे लगाए हैं, तो अभी सेल भी इन्होंने रखी हुई है और बिल्कुल न्यू स्टफ़ है यहाँ पर ना, तो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव है। कलर्स भी बहुत खूबसूरत हैं और डिटेल में इन्होंने जो है लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने जब विज़िट किया तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, और इंस्पायर होने के साथ साथ मैंने जो है वीडियो भी बना ली ताकि आप लोग के साथ भी ये मैं शेयर कर सकूँ। तो छोटे बच्चों की भी आई हुई है फुल स्लीव्स की शर्ट, और बड़े बच्चों की भी आई हुई हैं, मेल्स की भी आई हुई हैं और फीमेल्स की भी, शॉल्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। जैकेट्स तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इनका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ ऐसे नहीं कि ये जैकेट्स ऊपर से जो है लग रही हैं जैकेट्स, लेकिन अंदर से अपना काम नहीं करेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वार्म भी होती हैं ये। और यहाँ पे शर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ही आई हुई हैं, इनका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, डार्क कलर, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा ही होता है ना कि हम लोग डार्क कलर को प्रेफर करते हैं और गर्मियों में लाइट कलर को। तो इसी मतलब सीज़न के हिसाब से जो है कलरफुल शर्ट्स भी आई हुई हैं।
और जब मैं लेडीज़ के सेक्शन में गई तो यहाँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया देखकर। इतने कलरफुल कुर्तीज़ आई हुई हैं, डार्क डार्क कलर में, ज़बरदस्त कलर, जिस तरह के आपको वीडियो में लग रहा है ना देखने में, इससे भी ज़्यादा कहीं अच्छा अगर आप विजुअली इसको देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त। और प्रिंट भी इतने अच्छे लग रहे हैं ना, यहाँ पर अजरक का प्रिंट भी था, पैरेट ग्रीन में, बहुत ज़बरदस्त ही कुर्ती हैं। और इसके प्राइस तो इतने ज़बरदस्त रीज़नेबल है ना, ये इनमें से ना 600 की भी हैं, 800 की भी हैं, तो उसी हिसाब से ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने कहा इसको मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करती हूँ। शॉकिंग पिंक डार्क डार्क कलर में ना बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ये वाली कुर्ती मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। तो ये मैंने आपको आपसे प्राइस भी इसके शेयर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर भी अगर और मज़ीद आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इसको इसका विज़िट कर सकते हैं चेज़अप का। और ये चेज़अप जो ब्रांच है, मैं गई थी बहादुराबाद में ना, तो वहाँ मैंने वीडियो इसकी कैप्चर, वहाँ चेज़अप वाली ब्रांच से मैंने वीडियो बनाई है। तो ये कुर्तियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं और सर्दियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी हैं। ये एक मुझे लाइट कलर में नज़र आई थी, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी लाइट कलर में। जब मैं यहाँ पर शॉल सेक्शन की तरफ आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत एक ज़बरदस्ती सेल लगी हुई है। 1000 की सेल है, जो पहले 1599 की थी शॉल्स, ये अब हैं 1499 की, तो 1000 की यहाँ पे सेल लगी हुई है। और शॉल इतनी ज़बरदस्ती हैं, सारी शॉल एक से बढ़कर एक हैं, कलर के हिसाब से भी और फैब्रिक के हिसाब से भी, हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त शॉल है। मतलब कपड़ा भी बड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है, एक शॉल होती है ना मफलर की तरह होती है, ऐसी शॉल नहीं है, मतलब चादर की तरह आप इसको लपेट सकते हैं। तो और कलर भी इतने अट्रैक्टिव हैं। और अच्छा, नॉर्मली विंटर में ऐसा होता है कि शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि ऐसे गिफ्ट दिए जाएं जिससे वो इस सीज़न में फ़ायदा उठा सकें। तो मोस्टली हम लोग शॉल भी एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉलर लगे हुए थे, स्टॉलर भी बहुत ही ज़बरदस्त से थे, इनके कलर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ब्राइट कलर्स के थे सारे, शॉकिंग पिंक हो गए, येलो हो गया, इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो ये वाला स्टॉल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कलरफुल सा और ब्राइट कलर, और प्राइस भी रिजनेबल है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और क्योंकि सेल लगी हुई है तो सेल के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त से प्राइस हैं। तो मेरी यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर जाएँ चेज़अप और वहाँ का विज़िट करें। आई रियली होप कि आप लोग भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो ये शॉल मैं यहाँ देख रही हूँ, मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं एक ना एक तो ज़रूर बाय करूँ यहाँ से, लेकिन फिर मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो बाय करूँगी, क्योंकि आज मैं स्पेशली आप सब लोगों के लिए गई थी यहाँ वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही थी कि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ और जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुर्तीज़ भी थी, शॉल्स भी थी, और जितने भी मतलब विंटर न्यू कलेक्शन आता है ना यहाँ पर आया हुआ था, और रश बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने जो है फ़ायदा उठा लिया, अच्छी सी वीडियो बना ली और आप लोग के साथ शेयर कर ली। क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम था ना, तो मॉर्निंग में मोस्टली ऐसा ही होता है कि इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं मॉर्निंग में जाऊँ और आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। तो जनाब, यहाँ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।